शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहिनी, मोहिनी क्या हुआ? क्या हुआ? रवि, उसने कमिश्नर साहब को मार डाला। रवि, मार डाला उसने। दरअसल गलती मेरी है रवि, मैंने हत्या की है उनकी। गलती मेरी है। तुम्हारी कैसे? ये झूठ है कि वो मुठभेड़ में मारे गए थे। नीच डिकॉस्टा ने उनका खून किया है, उसी ने किया है उनका खून। मैं कमिश्नर साहब के पास गई थी, मैंने उनको वो सारी तस्वीरें दिखाई, ये भी बताया कि उसने कैसे मुझे धमकी दी थी। तुमने? हमें सारा दोष मेरा ही है रवि, सारा दोष मेरा है। ना मैं उनके पास जाती, ना वो उसे कुछ बताते, और फिर ना ये सब कुछ। रवि, रवि मैंने तुम्हें रोका था ना, मैंने ही तुम्हें सौगंध दी थी ना। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ, उस कातिल डिकॉस्टा को खत्म कर दो, जमीन में गाड़ दो उसे, आग में जला दो उसे, जहरीले तेजाब में गला दो उसे। मेरी खातिर, मेरे खातिर रवि। ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मुझे नहीं मालूम था आप भी यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं। आता नहीं हूँ, आज ही आया हूँ तुमसे मिलने। इसकी क्या जरूरत थी सर? आप मुझे फोन कर देते, मैं आपके दफ्तर में आ जाता। अनऑफिशियली तुमसे कुछ कहना था, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, खुद चला आया। सर घर पर आता लेकिन पता चला तुम्हारा कोई परमानेंट घर ही नहीं है। क्या सच है? सर घर ना हो ना कोई जुर्म तो नहीं है। इस देश में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका अपना कोई घर नहीं। शादी भी नहीं की थी। यह तुम्हारा पर्सनल मामला है, लेकिन सोसाइटी को ऐसे लोगों से डर लगता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं। सर जिस वजह से घर नहीं बनवाया उसी वजह से शादी नहीं। सजा याफ्ता क्रिमिनल्स मुझे मेरी फैमिली की वजह से कभी दबा नहीं सकते, डरा धमका नहीं सकते। तुम्हारी रूथलेसनेस आज मेरी समझ में, मगर रवि के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हुई। रवि कौन सा? रवि मल्होत्रा, जिसे तुमने 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया था और जो 2.5 साल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट वकील बनकर बाहर निकला। सर मैंने सुना है उसकी सजा कम करवाने में आपकी मेहरबानी का भी हाथ। मोहिनी से मिले थे? उसके घर गए थे? एक बार जरूर गया था उसका इरादा मालूम करने। सजा याफ्ता मुजरिमों से पुलिस मिलती ही रहती है। इंस्पेक्टर डिकॉस्टा, तुम इस मुजरिम से अब नहीं मिलोगे, दोबारा उनके घर में भी नहीं जाओगे। तुम्हारा रिकॉर्ड स्पॉटलेस है बेदाग। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी ऑफिसर पर कोई इल्जाम आए, इसे तुम ऑफिशियल ऑर्डर ही समझना कि अब तुम उनके करीब भी नहीं जाओगे। क्योंकि रवि मल्होत्रा का केस अगर रीओपन हुआ, दोबारा तहकीकात हुई, तो आपकी बार सजा किसे मिलेगी वो मैं भी नहीं चाहता। मोहिनी,
5 कमीजें, 2 ब्लाउज, 4 टॉवल्स, 6 नैपकिन, 6 ये कहीं नहीं जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो तुम्हें ही अफसोस होगा कि इसने ये सब क्यों सुना जो मैं तुमसे कहने वाला हूं। अर्जुन, अरे अगर तुमसे इतनी मोहब्बत ना करता तो कभी का तुम्हें विधवा बना दिया होता। मेरी शिकायत की है तेरे वो जो भी लगता है तेरा, वो मेरे पति हैं और मैं उनके खिलाफ कोई बुराई नहीं सुनूंगी। पति? अरे उसे तो नामर्द बना दिया है मैंने। मेरी बात का यकीन कर लो मोहिनी, वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। क्या करोगे? करने को तो मैं अभी तुम्हें यहां से उठा के ले जा सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। उसे वापस जेल की नरक में भिजवा सकता हूं, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा। चाहूं तो उसे जान से मार सकता हूं, लेकिन वो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओ। और तुम समझते हो ये होगा? खरबूजा छुरी से पूछता है कि मैं कटूंगा। ना तो मैं खरबूजा हूं और ना ही तुम छुरी। महज एक इंसान हूं हमारी तरह। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं तुम्हारे फरेब में आ गई। कितनी इज्जत करती थी मैं तुम्हारी। मुझे कोई जरूरत नहीं है इज्जत की, और सच पूछो तो मोहब्बत की भी जरूरत नहीं है। मुझे शौक है सिर्फ इस बात का कि सब मुझसे डर के रहे। मोहब्बत की छांव देने वाला पेड़ भी पैदा होता है डर के बीच। डरोगी तो मोहब्बत करोगी, मोहब्बत करोगी तो डरोगी। मेरा धीरज गिद्ध की तरह है। एक मौत होगी जिसका तुम्हें भी इंतजार रहेगा और मुझे भी। अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो छोड़ दो उसे और हमेशा के लिए डिकोस्टा की हो जाओ। मेरी बात खत्म, किस्सा तमाम शुद्ध। अगर कोई भी चिल्लाया तो गोली मार दूंगा। गोली चुप, चिल्लाने दे इन्हें, चिल्लाने दे इन्हें। ये जितना चिल्लाएंगे वो पुलिस कमिश्नर अपने आप को उतना ही बेबस और मजबूर समझेगा, समझे? सर जो मैंने सुना है वो सच है? यस इंस्पेक्टर, आतंकवादियों ने कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया है। उनकी डिमांड है 1 करोड़ रुपया और भाग जाने के लिए गाड़ी। और हम उन्हें जाने देंगे सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा लेने के बाद बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हमारे पास कोई चारा है? और प्लीज देखो सर, तुम मुझे कोई राय नहीं देना। चिल्लाओ हराम सारा। हेलो, गाड़ी आ गई है और यकीन रखो पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन एक शर्त है, बच्चों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। सर डिले, जितनी ही देर होगी उतना ही ये लोग कमजोर होते जाएंगे। एक बार आगे की सिचुएशन देख लो। ये माइक संभालो। यस सर। और हर एक मिनट के बाद अनाउंस करते रहना, रुपया निकल चुका है, रुपया चल पड़ा है, रुपया आ रहा है। ओके सर। ओके, मैं बाईं तरफ से जा रहा हूँ, तुम दाहिनी तरफ से अप्रोच करो। सर जवान, 3 मिनट के बाद बिल्डिंग की पिछली तरफ एक धमाका होना चाहिए। ओके राइट सर, वील गेट देम सर। हमारा पहला मकसद है बच्चों की हिफाजत।
भागो बच्चों, भागो, भागो, भागो। काश उनकी जगह मैं मर गया, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, एक निहायत ईमानदार और बहादुर ऑफिसर। काश उनकी जगह मैं मर गया होता। क्या हुआ, क्या हुआ रवि? उसने कमिश्नर साहब को मार डाला रवि, मार डाला उसने। दरअसल गलती मेरी है रवि, मैंने हत्या की है उनकी, गलती मेरी है। तुम्हारी कैसी? ये झूठ है कि वो मुठभेड़ में मारे गए थे। उस नीच डिकॉस्टा ने उनका खून किया है, उसी ने किया है उनका खून। मैं कमिश्नर साहब के पास गई थी, मैंने उनको वो सारी तस्वीरें दिखाई, ये भी बताया कि उसने कैसे मुझे धमकी दी थी। तुमने? हमें सारा दोष मेरा ही है रवि, सारा दोष मेरा है। ना मैं उनके पास जाती, ना वो उसे कुछ बताते, और फिर ना ये सब कुछ। रवि, रवि मैंने तुम्हें रोका था ना, मैंने ही तुम्हें सौगंध दी थी ना, आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ, उस कातिल डिकॉस्टा को खत्म कर दो, जमीन में गाड़ दो उसे, आग में जला दो उसे, जहरीले तेजाब में गला दो उसे। मेरी खातिर, मेरे खातिर रवि। तुम्हारा मंगलसूत्र उसकी मौत से बहुत ऊपर है मोहिनी, यकीन रखो वो मरेगा, वो मर चुका है, मर चुका है वो।
यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। हाँ यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। यही है डीसीपी मिश्रा का कातिल। भागो। चलो चलो। रवि, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अपना रेपुटेशन, अपना पेपर, जो कुछ तुमने कहा मैंने वो सब छाप दिया। कल अगर तुम इसे सच साबित नहीं कर सके तो मैं जेल भी जा सकती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो शीना, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम्हारे या तुम्हारी पेपर की शान घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आई होप यू आर राइट रवि। बिलीव मी, आई एम राइट। सर, हैव यू सीन दिस? दिस इज द ब्लडी लिमिट सर। आपने देखा क्या छापा है मेरे बारे में? इंस्पेक्टर, मैं भी हैरान हूँ। आप हैरान हैं? सारी दुनिया हैरान है सर। एंड व्हाट अबाउट मी? सर, मुझे इस अखबार के एडिटर को गिरफ्तार करने के लिए वारंट चाहिए। वो हमारी जेल में हो और तहकीकात मैं करूँ, और इस अखबार के दफ्तर में तो ताले लग जाने चाहिए। तमाशा खत्म, ओवर। तुम इस एडिटर को जानते हो? जी नहीं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं जानता हूँ। बतौर एडिटर शीना वासुदेव की बहुत इज्जत है। क्या इज्जत है सर? दूसरों के नाम पे कीचड़ उछालना इसका काम है। अफवाहें फैलाती है ये ब्लडी जर्नलिस्ट। आप समझ रहे हैं ना सर, बगैर किसी सबूत के इतना कुछ। सबूत मेरे पास है। मैं एक लाइसेंस याफ्ता वकील हूँ और मेरा नाम। ये एक सजा याफ्ता मुजरिम है सर, ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया था। पूछिए इसे, इसका नाम नहीं इसका नंबर पूछिए। हाँ हाँ, मैं एक नाम नहीं एक नंबर बनकर जिंदा रहा हूँ। तुम्हारी चलाई हुई चार गोलियां मैं भूल सकता हूँ, मगर वो नंबर नहीं। सर, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट और मेरा लाइसेंस। तुम्हारा इस केस से क्या ताल्लुक है? वही जो इस कातिल डिकॉस्टा का है। इंस्पेक्टर, मुझे बोलने दो। तुम्हें मालूम है ये ऑफिसर 5 बार बहादुरी के इनाम ले चुका है। अगर मैं 6ठी बार इनाम लेने नहीं दूंगा, मैं इसे सजा दिलवा कर ही लूंगा। अरे, तेरे पास क्या सबूत होगा? सबूतों के अलावा मेरे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। गवाह? एक ऐसा गवाह जो आपके अंधे कानून को आकर यह बताएगा कि उसने अपनी खुली आंखों से क्या देखा। ये झूठ बोल रहा है सर। तुम गवाह को साथ क्यों नहीं लाए? दिन दहाड़े जब किसी पुलिस कमिश्नर का खून किया जा सकता है, तो क्या एक गवाह बख्श दिया जाएगा? ये सब अखबार में देने से पहले तुम हमारे पास भी आ सकते थे। आ जाता तो मैं और केस दोनों दबा दिए जाते, अब ऐसा कोई चांस नहीं। तो अब क्यों आया? दुनिया में 3 तरह की अदालतें होती हैं। जनता की अदालत, जिसके सामने मैंने केस पेश कर दिया है। पुलिस की अदालत, जहां इस वक्त पेशी चल रही है। और इंसाफ की अदालत, जहां मैं इसे नहीं ले जाता तो शायद ये मुझे वहां ले जाता। शायद नहीं, यकीन। वहां तू देखेगा तेरा तमाशा खत्म। ओवर, तमाम शुद्ध। यहां से उम्मीद भी नहीं थी, वहां देखा जाएगा। मिस्टर रवि, फर्ज करो
एक मछली खराब हो जाए तो सारे समंदर पर मुकदमा दायर करोगे? समंदर का अपना निजाम होता है जी। पुलिस की अपनी एक एक्शन कमेटी होती है, ट्रिब्यूनल। तुम अपने चश्मदीद गवाह को हमारे ट्रिब्यूनल के सामने ला सकते हो कल 4 बजे। बेशक सर, चश्मदीद गवाह कल 4 बजे।